हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, आपके सामने एक एपी गिवन है और कितनी इसमें टर्म्स हो जिनको मैं सम करने के बाद 636 पा सकता हूँ। तो सबसे पहले गिविन कंडीशन देखो, ए का वैल्यू आपको 9 गिविन है, गिविन है सर। ए का डी का वैल्यू क्या होता है सर, a2 - a1, 17 - 9 कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, हो जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो आपने डी का वैल्यू कितना निकाल लिया है सर, 8 निकाल लिया है। आगे सुनो, एस एन गिवन कितना है, 636 गिवन है। तो एक मिनट, ओके एस एन गिवन है 636। एन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला लगाओ एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू वे प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस एन का वैल्यू है आपके पास 636, ठीक है सर। एन का वैल्यू सर पता नहीं, टू और ए का वैल्यू है 9 प्लस एन का वैल्यू है पता नहीं, डी का वैल्यू है सर 8। ओके अब आगे सारी वैल्यूज अब ओपन करो, 636 इक्वल्स टू एन बाय टू, 2 9 18 प्लस 8n - 8, ये लेस हो जाएगा, 18 में से 8 कितना बच जाएगा आपके पास, 10 बच जाएगा। ठीक है एक मिनट, क्या हो गया इसको, वर्किंग भी नहीं कर रहा है ये, अब आ गया 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 10 प्लस 8n। इन दोनों में से क्या करें सर अपन, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन लेंगे सर हम, केवल 2 ही ले सकते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है 636 चल रहा है यहाँ पे, यानी 636 इक्वल्स टू एन को 5 से करेंगे तो 5n और एन को इससे करेंगे तो 4n2। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 4n2 प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कैसे सुनोगे ध्यान से, जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है भाई, ऑब्वियस ही बात है, या तो आप फैक्टराइज करो। अब आपको भी दिख रहा होगा 336 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, तो मतलब क्यों इतने बड़े पंगे में फंसना। तो इसलिए क्या है, हम यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 में देखा होगा आपने लास्ट वाले फॉर्मूले में। ठीक है तो जैसे ये 4n² है प्लस 5n है माइनस 636 इक्वल्स टू 0, वैसे भी करोगे तो भी आ जाएगा बट थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, कॉफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ एन, कॉफिशियंट ऑफ मतलब लास्ट कॉन्स्टेंट 636। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये फॉर्मूला है हमारे, हमें एक्स का वेरिएबल का फाइंड करने के लिए मतलब रूट फाइंड करने के लिए। माइनस 5 हुआ प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस 636, फॉर्म में कितना आ गया, ए का वैल्यू भी तो रख दो यहाँ, तो कभी कभी इसमें कुछ चीजें काम नहीं करती है, 2 * a का वैल्यू कितना है 4। अब आगे सुनो, 5 5 = 25 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करना है आपको इसको, तो हम कैलकुलेटर निकालेंगे फटाफट से और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट, 4 4 = 16 मल्टीप्लाई 636, 636 इक्वल्स 10176 में हम एडिशन कर देते हैं 25 का, क्या निकल के आया 10201, एक सेकेंड, अरे कहाँ गायब हो गया, ओके अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 10201 का निकलेगा 101। ठीक है
कितना निकला, 1 सेकेंड, 101। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं आपको। था यहाँ पे 5 था ना, यहाँ 1 -5। जब मैंने 1021 का 201 का स्क्वायर रूट किया तो आपके पास क्या निकल के आया, 101 निकल के आया। ठीक है, आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना तो आते होंगे आई होप, अगर नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 101 नीचे कितना है आपके पास, 2 4 8 है। अब देखो क्या होता है इसमें, एक बार तो प्लस का लेना है आपको ये वैल्यू, और एक बार यही वैल्यू जो है आपको माइनस में लेना है, मतलब कि -5 -101/8। तो प्लस माइनस करूंगा तो माइनस होगा, 101 में से अगर 5 लेस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच के आ जाएगा, सर मेरे पास 96 बच जाएगा, सिंपल है। रुको 1 सेकेंड, एक तो ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको, बीच बीच में इतना अटकता है ये। हाँ यहाँ तो समझ में आ गया, हाँ सर ये तो आ गया, अपॉन में 8 पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ देखो यहाँ माइनस का 106 है, ये है कि नहीं। हाँ सर, अब आपको पता है 8 1 8 2 16, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 12 आ गई। अब आपको पता है पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वी चूज पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो सो एन इक्वल्स टू 12 आपका आंसर हुआ, एक्चुअल में मस्ट बी टेकन। तो एस 12 का जो सम है ना वो 636 है, बताओ समझ में आ गया क्या। हाँ सर, हाउ मेनी टर्म्स, तो वी टेक सम ऑफ 12 टर्म्स, वी टेक सम टेक 1 सेकेंड, हैंस वी टेक सम ऑफ 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स इज 638, 636, मतलब सम ऑफ 12 टर्म करेंगे, जब आप उनका सम करेंगे तो निकल के आएगा 636। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड।